सामने कुछ दिख रहा है भाई? वो है अमित भैया का घर। तो हमारे घर से बस इतने। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग। तो भाई यार कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई यार देखो, कल जो लिप्स खा ली थी ना, उसकी वजह से पेट में इतनी ज़्यादा जलन हो रखी थी, पूरी रात जलन हुई। मतलब कि यार एक वीडियो बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है यार। मतलब चैलेंज में हारने के बाद जोलो चिप्स खाने पड़ी, उसकी वजह से इतना ज़्यादा पेट में मतलब जलन हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो भाई यार देखो, आज कुछ सीन ऐसा है, आज भाई मेरे को जाना है गुड़गांव। गुड़गांव में यार देखो, पहले तो अपने को नंबर प्लेट लेनी है बाइक, जो मेरी बाइक थी ना एमटी, उसकी नंबर प्लेट लेनी है। और जो अपने हाफ इंजीनियर है मनीष शर्मा, मतलब मनीष भैया, उनसे मीटअप करना है। तो गाइस यार बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और अभी का कुछ सीन ऐसा है, अभी मतलब सुबह हो चुके हैं, 9:30 बज चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ का मौसम दिखा देता हूँ और फिर चलते हैं यहाँ से। तो गाइस यार देखो, बाहर का तो मौसम ऐसा हो रखा है बहुत ज़्यादा, मतलब खतरनाक है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई। 9 बजे इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा। गीतांशी क्या कर रही है? क्या ले इसमें? सब्जी है। क्या करेगी? खाना खाई? अच्छा मेरे लिए ले गई है। ओ ठीक है। अब तू गाई यार, इसके पेट में है ना छिक्का चला गया था, अब तो ठीक हो गई। और देखो, कल भी उधर सो रहा था और आज भी इधर सो रहा है। मैक्स मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मैक्स मैं जा रहा हूँ, ठीक है? यार बहुत ही ज़्यादा समझदार है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये, छोटा सा क्यूट है बहुत ज़्यादा। ठीक है मैक्स, आ जा, खाना बन गया, मम्मी खाना बना रही है, चल आ जा, आ जा, उठ जा, आ जा। और गाइस यार देखो, बाइक यहाँ पर खड़ी है, इसको मैं घर के अंदर खड़ी कर दूंगा और इसको यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त के साथ, क्योंकि यार बाइक लेके जाऊँगा ना तो फ्यूल इतना ज़्यादा महंगा हो रखा है, तो नंबर प्लेट ला के यहाँ पर शोरूम में जा कर लगवा लूँगा। और गाइस यार देखो, इधर मम्मी खाना बना रही है। मम्मी क्या बना रही है? देखो आप लोग देखते हो मतलब कि चूल्हे पर रोटी कैसे बनती है, तो भाई ऐसे बनती है चूल्हे पर। मम्मी मेहनत लगती है ना बहुत ज़्यादा, चूल्हे पर रोटी बनाने में मेहनत लगती है ना, बहुत अच्छा लगता है। गाय देखो, मम्मी है ना कभी भी मतलब बहुत कम बनाते हैं गैस पे खाना, बाकी चूल्हे पे बनाती है। आज जल रही है और उधर रोटी पक रही है, और ये चिमनी बन रही है ना ऊपर, ये जो बन रहा है ना, इससे जो धुआं होती है ना वो इसके अंदर चल जाती है और छत से बाहर हो जाती है। तो मम्मी खाना डाल दो, मैं निकलूँगा फिर यहाँ से ना। तो गाय यार खाना वगैरह खा के चलते हैं। गीतांशी खाना खाएगी? मम्मी मैं जा रहा हूँ, कैसा लग रहा है? जल्दी आऊँगा आपके पास यार। मार्च में ना मैं बहुत मतलब कि मार्च में चला गया था ना, तो उसकी वजह से मम्मी परेशान हो गई थी, और आज जा रहा हूँ ना तब भी परेशान हो रखी है। मम्मी मिलता हूँ जल्दी, ठीक है? देखो भाई रोटी बन के तैयार हो गई। पता है मेरी मम्मी बहुत मोटी मोटी रोटी बनाती है चूल्हे पे, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बट मैं खा लेता हूँ, बहुत स्वादिष्ट लगती है। मम्मी के हाथ का तो स्वादिष्ट लगेगा ही। चलो भाई यार देखो, खाना वगैरह खा लिया, ठीक है मम्मी चलता हूँ मैं। और इधर दोस्त भी आ गया, इसको जानते होंगे आप, राकेश। और इधर मेरा बैग भी पैक हो गया। चलो मम्मी, गीतांशी बाय बाय। सबसे छोटी बहन है मेरी ये, बाय। और ये क्या कर रहा है? हेलो हेलो बाय, मैं भी जा रहा हूँ। तो दादी मैं जा रहा हूँ, ठीक है बाय, ठीक है। तो मम्मी जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मम्मी, मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, ठीक है? अरे जल्दी आइए तू। मम्मी जल्दी आऊँगा, रोना मत, आओ की बार मत रोना। हाँ जाऊंगा दो तीन दिन में, ठीक है बाय बाय बाय। तो गाइस यार देखो, अभी हम लोग बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, इधर भी तार लगे हुए हैं, इधर भी तार लगे हुए हैं, और पूरे जो खेत है ना पूरे खाली हो गए। पहले आते थे ना तब तो इधर सरसों की फसल थी, इधर भी मेथी वगैरह की फसल थी। देखो अभी ये यहाँ पे कटी रखी है, इसको मतलब ट्रैक्टर से कटवा लेंगे। तो अभी चलते हैं अपन यहाँ से। और इसकी गाड़ी कहाँ खड़ी है तेरी? गाड़ी कार कहाँ है? घर पे जा रहे हैं पहले? तो कहीं यार बाइक से चलेंगे यहाँ से इसके घर पे, उसके बाद चलेंगे कार से। चलो तो कहीं ये खड़ी इसकी गाड़ी, और अब चलने वाले हैं। राकेश वही गाड़ी है नहीं जिस जिसकी ड्राइव मैंने की थी? तो कहीं यार इसकी ड्राइव मैंने ली रखी है, टेस्ट ड्राइविंग, बहुत अच्छी चलती है। चलें चलो यार, निकल चुके हैं। और आपको ये चीज़ दिखाऊँ, सामने कुछ दिख रहा है भाई? वो है अमित भैया का घर। तो हमारे घर से बस इतनी दूर है, ये हमारा घर इधर है और उनका भैया का घर इधर है। चलें चलो। कितनी देर लगेगी पूछने में अपने को? डेढ़ घंटे पूछ जाएंगे अपन। तो भाई चलते हैं अभी, और आप लोगों से मिलते रहते हैं बीच बीच में। अभी हम चढ़ चुके हैं अपने जो मेन रोड था ना उधर चढ़ चुके। चलो राकेश ड्राइव करने देगा आज?
आने का नहीं देगा आज जल्दी में है ना यार। चलो चलो। A few moments later. यार देखो अभी एक चोट हो गई, जो गाड़ी थी ना उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई बता रहा था, पर अपने साथ में सिर्फ साथ ही है। राकेश क्या हो गया इसके अंदर? हाँ ये पानी कैसे निकल गया ये पानी? तो गाइस यार इसको ठीक करते हैं, कैसे क्या हुआ है। गाइस यार पता है इसका, इसके अंदर जो पानी था ना वो पूरा ख़त्म हो गया था, और ये मतलब इतनी ज़्यादा हीट हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो पड़ोस से है ना पानी वगैरह ला के इसमें डाला है। अब देखते हैं थोड़े बहुत देर में ठीक हो जाएगी। यार पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं तो इसको मिस्त्री को दिखानी पड़ेगी आज ही। तो गाइस यार थोड़ी ठंडी हो गई है, चलते हैं अब। चल राकेश चल। गाइस देखो अभी पता क्या हुआ था इसके अंदर, ये मतलब हीट हो गई थी बहुत ज़्यादा गाड़ी। अब पता नहीं हीट क्यों हो रही है इसके अंदर, शायद वो पंखा नहीं चल रहा है ना, तो इसकी वजह से हीट हो रही है बहुत ज़्यादा। अब इसके अंदर पानी वगैरह डाला है और थोड़ा मतलब पानी ठंडा गया है, तो अब ठीक है चल रही है। अब देखते हैं थोड़ा मिस्त्री को दिखा लेंगे, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। अभी मिस्त्री के पास चलते हैं और फिर चलेंगे अपन गुड़गांव। तो गाइस यार देखो अभी है ना हम लोग इसकी शॉप पे पहुंच चुके हैं इधर, और भाई अभी आ चुके हैं 100 किलोमीटर दूर, और यहाँ से गुड़गांव में 50 किलोमीटर है, तो मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से बस से। ये यहाँ पर रुक जाएगा और फिर उसके बाद बस से चल जाएंगे। तो मैं इसकी शॉप दिखाता हूँ, वैसे तो आप लोगों को दिखा रखी है मैंने शॉप। देखो वो वाली शॉप है इसकी आगे वाली। तो राकेश मैं चलता हूँ ना, ठीक है बस से है ना। तो ये राकेश की शॉप है, और भाई गाड़ी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया आज। यार पता है 5-6 बज गए, हम लोग 1-2 बजे पहुँच जाते, बट गाड़ी की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गए, और अभी प्रॉब्लम हो रही है। चढ़ गया शीशा चल। तो भाई ये है राकेश की दुकान, और भाई दुकान पे आने के बाद मेरे को बस एक ही चीज़ का फ़ायदा होता है, कोल्ड ड्रिंक खोल दे राकेश बस यही। हाँ देखो इसका खोलने का स्टाइल देखो भाई साहब, क्या ही मस्त खोलने के स्टाइल है। तो गाइस यार ये कोल्ड ड्रिंक आप लोग देख लेना, और कुछ मत समझना। मैं कहाँ जा रहा है गाइस? देखो ये वाली बाइक आपको याद होगी ना, इससे एक्सपेरिमेंट किए थे वो वाला, क्या करवाए थे दोनों बाइक को टॉर्चर करके, मतलब खिंचवाए थे ना भाई, उसके बाद खराब हो गई थी, तब की ऐसे खड़ी है खराब हो गई। उसके बाद कैसे खराब हुई थी? फिर क्या हो गया था यार? अभी चलती है, स्टार्ट करके देखूं। यहाँ माँ किया ना, हीरो होंडा किया ना। चल ठीक है मैं चलता हूँ फिर यार, लेट हो जाऊँगा मैं ना यार। अभी राकेश को बाय बाय कह रहा हूँ, और यहाँ से जा रहा हूँ भाई गुड़गांव। गुड़गांव पूछने मेरे को लगभग लग जाएंगे शायद 8-9 बज जाएंगे ना। हाँ 8-9। चलो फिर चला जा। तो भाई यार देखो अभी रात हो चुकी है, और मैं पूछ चुका हूँ भाई गुड़गांव के राजीव चौक पे, तो यहाँ से मेरे को जाना है ऑटो वगैरह पकड़ के मामा जी घर पे। चलते हैं यहाँ से ऑटो पकड़ लेता हूँ पहले, फिर बात करता हूँ आप लोगों से। तो भाई यार फाइनली है ना, मैं भी पूछ चुका हूँ अपने मतलब कि यहाँ पर फैक्ट्री आर्ट में जहाँ पर मैं रहता हूँ ना, मतलब मामा जी रहते हैं ना उधर, अब जा रहा हूँ मामा जी घर पे। चलो तो गाइस फाइनली घर पे पूछ चुके हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग भाई यार सीन कुछ ऐसा है, मैं आ चुका था रात को गुड़गांव, और यार देखो अभी हो चुकी है मॉर्निंग। यार देखो कल इतनी ज़्यादा लेट हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, एकदम 10 बज चुके थे, और उसके बाद मैं आया चुपचाप खाना खाया और सो गया था, और व्लॉग भी बनाने का टाइम नहीं मिला, मतलब कि इतने ज़्यादा थक चुका था बहुत ज़्यादा। और यार हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी ना, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी हमको, रास्ते में 2-3 घंटे लग गए थे, उसके बाद गाड़ी ठीक हुई, उसके बाद आ गए थे। तो भाई यार देखो अभी का कुछ सीन ऐसा है, अभी मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, और यार देखो हो सके ना तो गुड़गांव में हाफ इंजीनियर नाम से यूट्यूबर रहते हैं, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, हाफ इंजीनियर नाम से एक यूट्यूबर है जो गुड़गांव में रहते हैं, कॉमेडी वगैरह की वीडियो बनाते हैं, तो शायद उनसे मीटअप कर लेंगे। और थारा भाई जोगिंदर से भी शायद मेरा प्लान है मीटअप करने का, शायद एड्रेस मेरे को मिल गया है, किसी ने बताया था कि 21 सेक्टर में रहते हैं गुड़गांव में, तो उनसे मीटअप कर लेंगे। बाकी यार देखो अभी कुछ सीन ऐसा है, मैं जाऊँगा नंबर प्लेट लेने के लिए, और कल जाऊँगा दिल्ली। तो भाई यार देखो दिल्ली में जाऊँगा ना, तो दिल्ली के बहुत सारे वीडियो आएंगे मस्त,
देखो यार आपका भाई है ना, अब कंटेंट पे काम कर रहा है। आप लोगों ने देखे होंगे मुंबई के व्लॉग आए थे, कितने मस्त मस्त थे ना। तो भाई यार देखो, व्लॉग बनाने के लिए घर से इतनी ज़्यादा दूर आना पड़ता है, और आया था ना तब आप लोगों ने देखा होगा मम्मी का चेहरा कैसा था। तो भाई यार इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।